हेलो स्टूडेंट, आई एम योर ज्योग्राफी टीचर विवेक फ्रॉम कैलिफोर्निया पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, योर सेकेंड चैप्टर इज गोइंग ऑन पॉपुलेशन डायनामिक्स। वी ऑलरेडी डिस्कस इन दिस चैप्टर ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ओके, सो नाउ टुडे वी स्टार्ट हियर पॉपुलेशन चेंज। सो वी नो दैट द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री और इन अ पर्टिकुलर रीजन इज नॉट फिक्स। किसी भी कंट्री, किसी भी प्लेस पे पॉपुलेशन जो है वो सेम नहीं है। ओके, इट्स समवेयर सो मेनी डेंस, समवेयर मॉडरेट पॉपुलेशन, समवेयर वेरी स्पार्सली पॉपुलेशन। ओके, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू द सेवरल रीजन्स। बहुत सारे रीजन्स के पीछे कि टाइम टू टाइम ये चेंज हो रही है। सो व्हाट इज द पॉपुलेशन चेंज? द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इज नोन एज पॉपुलेशन चेंज। जो किसी प्लेस पे पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रह रहे हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, वो क्या है, और उसमें जो चेंजेस आ रही हैं वो क्या है, पॉपुलेशन चेंज है। मीन्स द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरियाज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। किसी पर्टिकुलर प्लेस में पॉपुलेशन के नंबर ऑफ पीपल्स में जो चेंजेस आ रही हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको बोलते हैं हम पॉपुलेशन चेंज। ओके, सो द पॉपुलेशन कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। जो पॉपुलेशन चेंज हो रही है, इट मे बी इंक्रीज, इट मे बी डिक्रीज, विच इज ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। और ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, जो पॉपुलेशन चेंज है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ओके, सो दीज फैक्टर्स आर कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। और जो फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन चेंज को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, उनको हम कंपोनेंट बोलते हैं। और ये कंपोनेंट कौन से हैं जो पॉपुलेशन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? द मेन कंपोनेंट आर बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। ये थ्री कंपोनेंट हैं जो पॉपुलेशन चेंजेस ला रहे हैं इन पर्टिकुलर रीजन में। ओके, सो बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, ये कैसे चेंजेस ला रहे हैं, डिस्कस करेंगे। वो फर्स्ट ऑफ ऑल बी अंडरस्टूड हियर कि व्हाट इज द बर्थ रेट, व्हाट इज द डेथ रेट और व्हाट इज द माइग्रेशन। आफ्टर दैट डिस्कस हाउ बर्थ रेट एंड डेथ रेट माइग्रेशन चेंज द अवर पॉपुलेशन। ओके, इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। सो देयर वाज अ स्टडी इन स्लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अप टू 1880। मींस 1800 तक क्या था, हमारी जो पॉपुलेशन थी बहुत ही स्लो रेट से इंक्रीज हो रही थी। ओके, सो टोटल एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज अबाउट 100 करोड़ इन 1820। मींस 1800 से पहले क्या था, पॉपुलेशन वेरी स्लोली स्लो ग्रोथ हो रही थी। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज अबाउट 100 करोड़ इन 1820। ओके, ऑफ दैट इन 1970 एडी द पॉपुलेशन वॉज अबाउट 300 करोड़। मीन्स इट अबाउट 150 ईयर्स द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज थ्री टाइम्स। मीन्स जो 100 करोड़ थी 1820 में और 1970 तक, वो 300 करोड़ होगी इन 150 ईयर्स में। 1820 के बाद हमने डाटा रिकॉर्ड करें 1970, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो है 150 ईयर्स का। और 150 ईयर्स में थ्री टाइम हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, 100 करोड़ से 300 पहुंच गई। ओके, आफ्टर 30 ईयर्स, 1970 के बाद आफ्टर 30 ईयर्स 2000 एडी द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज अबाउट 600 करोड़।
we notice that there is a consistent growth of population, and today it is taking place at a rapid rate. कि मीन्स पहले क्या था, 1800 एडी से बिफोर दैट पॉपुलेशन ग्रोथ जो वेरी स्लो थी. आफ्टर दैट 1820 तक रिकॉर्ड की तो 100 करोड़ थी, और आफ्टर 150 इयर्स में 3 टाइम्स इंक्रीज होगी, 300 करोड़. आफ्टर 30 ईयर में 2000 एडी में कितनी होगी, 600 करोड़. मीन्स ऑलमोस्ट डबल होगी ओनली 30 ईयर्स में. ओके, सो हमने नोट किया यहाँ पर कंसिस्टेंट होता है रेगुलरली, कि हमारी जो पॉपुलेशन है रेगुलरली क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है. और नाउ दिस टाइम ऐसा आ गया है कि बहुत ही फास्ट रेट से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है डे बाई डे. ओके, सो सम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं. दो चेंजेस द अवर पॉपुलेशन, द बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वट इज द बर्थ रेट? द बर्थ रेट इज नॉर्मली डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इन ईयर. कि मीन्स एक ईयर में 1000 पे बर्थ रहने वाले जो हेल्थी हैं और अच्छे से सरवाइव कर पा रहे हैं, उन बर्थ लेने वाले नंबर ऑफ पीपल्स को हम बोलते हैं हम बर्थ रेट. कि मीन्स पर 1000 पर्सन पर बर्थ लेने वाले लोगों को बोलेंगे हम जो कि जीवित हैं. आफ्टर द बर्थ दे कैन सर्वाइव इजली. ओके, बोज लोग और उनको बोलते हैं बर्थ रेट. मीन्स द बर्थ रेट इज नॉर्मली डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इन अयर. कि पर 1000 पर्सन पर बर्थ लेने वाले लोगों को बोलेंगे हम बर्थ रेट. ओके, इट मे बी 100, इट मे बी 200, इट मे बी 300, इट मे बी 150. ओके, सो मीन्स क्या है बर्थ रेट? क्या है बर्थ रेट? इज नॉर्मली डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इन ईयर. पर 1000 पर्सन पर लिव बर्थ लेने वाले लोगों को बोलेंगे हम बर्थ रेट. और डेथ रेट में कितना है, सेम इट इज, बट बर्थ की जगह डेथ रेट आएगा. कि डेथ रेट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन इन बर्थ ईयर. कि एक साल में 1000 पर्सन पर डेथ होने वाले लोगों को बोलेंगे हम डेथ रेट. कि पर 1000 पर्सन पर कितने लोगों की डेथ हो रही है, और बर्थ रेट में पर 1000 पर्सन पर कितने लोग बर्थ ले रहे हैं. ओके, ये बर्थ रेट हुई और ये डेथ रेट हुई. ओके, अब माइग्रेशन. माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. जैसे माइग्रेशन की होती है वेन वी मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो माइग्रेशन. और माइग्रेशन क्या होती है, इन एंड आउट ऑफ पर्टिकुलर एरिया. कोई एरिया है उससे हम बाहर भी जा सकते हैं या बाहर से कोई इस एरिया में भी आ सकता है. ठीक है, इसको कॉल्ड माइग्रेशन. इट इज अ मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और इट मे बी इन और आउट इन अ पर्टिकुलर एरिया. ओके, तो बर्थ रेट मीन्स पर 1000 पर बर्थ लेने वाले लोग, एंड डेथ रेट पर 1000 पर्सन पर डेथ होने वाले लोग. और माइग्रेशन व्हेन पीपल मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट मे बी इन, इट मे बी आउट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. अब नेचुरल ग्रोथ क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट और डेथ रेट इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ. नेचुरल ग्रोथ किसको बोलेंगे, पॉपुलेशन की जो किसी पर्टिकुलर प्लेस में जो बर्थ रेट हो रही है और डेथ रेट है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको कहते हैं नेचुरल ग्रोथ. ओके, अब नेचुरल ग्रोथ होती है, इट मे बी इंक्रीज, इट मे बी डिक्रीज. सपोज करो योर 1000 पर्सन पर जो बर्थ लेने वाले लोग हैं वो है आपके 200, और पर 1000 पर्सन पर डेथ होने वाले जो लोग हैं वो है आपके पास ओनली 100. तो यहाँ पर नेचुरल ग्रोथ क्यों हुई? हाई, क्योंकि बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है. जो बर्थ रेट हाई होगी तो नेचुरल ग्रोथ, हमारी जो नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो ज्यादा रहेगी. इफ योर डेथ रेट इज 200 और बर्थ रेट इज 100, सो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, क्योंकि मरने वाले ज्यादा हैं और बर्थ लेने वाले कम है. ओके, सो नेचुरल ग्रोथ होती है, जो नेचुरल वे पे ग्रो हो रही है.
द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ अ कंट्री और प्लेस। किसी भी कंट्री की अगर बर्थ रेट और डेथ रेट को जो डिफरेंस होगा उसको कहेंगे नेचुरल ग्रोथ। ओके, इफ द बर्थ रेट इन अ पर्टिकुलर एरिया इज मोर देन द डेथ रेट, किसी पर्टिकुलर एरिया की अगर बर्थ रेट ज्यादा है देन द डेथ रेट, देन देयर विल बी इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज होगी, सो नेचुरल ग्रोथ होगी वो ज्यादा होगी। इफ बर्थ रेट इज हाई देन द डेथ रेट, एंड इफ द डेथ रेट इज मोर देन द बर्थ रेट, देर विल बी डिक्रीज इन पॉपुलेशन। इफ योर डेथ रेट मोर है एज कंपेयर टू बर्थ रेट से, तो पॉपुलेशन आपकी डिक्रीज होगी। ओके, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि नेचुरल ग्रोथ के इट इज अ डिफरेंस विद द बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थ रेट के है कि पर 1000 पर बर्थ लेने वाले लोग, और डेथ रेट के है कि पर 1000 पर्सन पर डेथ होने वाले लोग। ओके, और माइग्रेशन व्हेन पीपल मूव वन प्लेस टू अदर प्लेस, मे बी इन इट मे बी आउट ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। ओके, एंड नेचुरल ग्रोथ के इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इसको कहते हैं नेचुरल ग्रोथ। और इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव, नेचुरल ग्रोथ इट मे बी इंक्रीज इट मे बी डिक्रीज। तो इफ बर्थ रेट इन अ पर्टिकुलर एरिया इज मोर देन द डेथ रेट, और किसी पर्टिकुलर एरिया की बर्थ रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू डेथ रेट, तो देयर विल बी इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इफ डेथ रेट इज मोर देन द बर्थ रेट, देयर विल बी डिक्रीज इन पॉपुलेशन। ओके, आफ्टर द बर्थ रेट डेथ रेट माइग्रेशंस एंड नेचुरल ग्रोथ वी डिस्कस हियर वन मोर टॉपिक। पीपल कैन मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर और फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, माइग्रेशन। आपको ऑलरेडी बता दी मैंने कि व्हेन पीपल मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ठीक है, इसको होता है माइग्रेशन। अब माइग्रेशन को लिए टू पॉइंट ऑफ मीनिंग, दो टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन यहाँ पर, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इसको इमिग्रेंट्स बोलते हैं और इसको एमिग्रेंट्स बोलते हैं। ओके, सो लिसन केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। दोज हु कम इन टू अ रीजन और कंट्री आर कॉल्ड इमिग्रेशन। जैसी है, वी आर लिविंग इन इंडिया, ये हमारी कंट्री है और ये कनाडा है। जब कोई पर्सन कनाडा से इंडिया आएगा तो इंडिया वालों के लिए क्या हुआ, एमिग्रेशन हुआ। सो इमिग्रेंट हुआ, इसको इमिग्रेशन भी बोलते हैं। ओके, जब कोई पर्सन बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहा है उसको बोलेंगे हम इमिग्रेशन। ओके, एंड व्हाइल दोज हु लीव अ कंट्री और रीजन आर कॉल्ड एमिग्रेशन। और जो कोई पर्सन, जैसे हम यहां पर हैं इंडिया में इस टाइम, और इंडिया से जो कोई पर्सन अपने कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाएगा उसको बोलेंगे एमिग्रेंट्स। जस्ट टेक दिस एग्जांपल, कि मीन्स इमिग्रेशन मीन्स वी आर लिविंग द इंडिया कंट्री, इंडिया वी आर लिविंग द इंडिया। अगर हम यहाँ पे हैं और जो कोई पर्सन हमारी कंट्री में आ रहा है तो वो पर्सन जो हुआ हमारी कंट्री के लिए, इंडिया के लिए, वो हुआ इमिग्रेंट। और कनाडा को अपनी कंट्री को छोड़ के वो इंडिया में आ रहा है तो कनाडा के लिए क्या हुआ, एमिग्रेंट्स हुआ। जब कोई पर्सन, जैसे वी आर लिविंग द इंडिया, जब कोई पर्सन बाहर की कंट्री से हमारे कंट्री में आ रहा है तो हम लोगों के लिए वो इमिग्रेंट हुआ, और जहां से वो आ रहा है उस कंट्री के लिए वो एमिग्रेंट हुआ। ओके, दोज हु कम इन टू रीजन, जो किसी रीजन में आ रहा है उस कंट्री के लिए वो क्या हुआ, इमिग्रेंट्स। और वाइल दोज हु लीव अ कंट्री, ये कंट्री को छोड़ के दूसरे में जा रहा है उसको बोलते हैं हम इमिग्रेंट्स। ओके, सो पर्टिकुलर पर्सन अगर कैनेडा से इंडिया में आ रहा है तो हम लोगों के लिए वो एमिग्रेंट्स हुआ, और कैनेडा के लिए वो एमिग्रेंट, वो यहां से अपनी कंट्री को छोड़ के जा रहा है और इस कंट्री में अंदर आ रहा है। जिस कंट्री में अंदर जा रहा है उस कंट्री का वो इमिग्रेंट्स होगा, और जहां से आया है उस कंट्री के वो एमिग्रेंट्स होगा। ओके, सो द पीपल नॉर्मली माइग्रेट विद इन द कंट्री और फ्रॉम वन
कंट्री टू अनदर कंट्री। बहुत से लोग एक कंट्री के इनसाइड वन प्लेस टू अदर प्लेस या वन कंट्री टू अनदर कंट्री मूव करते हैं। व्हाई? बिकॉज दे सर्च ऑफ वर्क और बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग ऑलवेज मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस या वन कंट्री टू अनदर कंट्री। सो इट हैज बीन नोटिस दैट देर इज अ लार्ज स्केल माइग्रेशन फ्रॉम द अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू द डेवलप्ड कंट्रीज। क्या नोटिस किया हमने कि जो कंट्रीज अभी अंडर डेवलप हैं, जो डेवलप नहीं हुई है, एंड डेवलपिंग, जो डेवलपिंग हो रही है, इन दोनों कंट्री से लोग कहाँ मूवमेंट करें जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं। जब इंडिया का एग्जांपल देखें, इंडिया से बहुत सारे लोग कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलप हो रही है, ठीक है, और कनाडा डेवलप्ड कंट्री है। ओके, सो यही बात हमने नोटिस की है कि लार्ज स्केल माइग्रेशन, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोग माइग्रेट करते हैं अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री से टू द डेवलप्ड कंट्री की तरफ। ओके ओके, सो नाउ इन द अर्ली स्टेज बिफोर 800 एडी बर्थ रेट वॉज वेरी हाई बट डेथ रेट वॉज ऑल्सो हाई। हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया कि इन अर्ली स्टेज में क्या था, पॉपुलेशन जो थी ग्रोथ वेरी स्लो थी। ओके, अब उसके पीछे कॉज क्या था कि पहले पॉपुलेशन इतनी स्लोली रेट से इंक्रीज हो रही थी बट नाउ दिस टाइम वेरी रैपिड फास्ट रेट। ऐसा क्यों हो रहा है? इन द अर्ली स्टेज बर्थ रेट वॉज वेरी हाई, बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई थी, बट डेथ रेट वॉज ऑल्सो हाई। और दैट टाइम क्या था, डेथ रेट भी हाई थी, बर्थ रेट हाई थी, लेकिन साथ में क्या थी, डेथ रेट भी हाई थी। ओके, सो अब ऐसा क्यों था? ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज, क्योंकि दैट टाइम हमारे पास प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, तो बर्थ रेट हाई थी बट साथ में डेथ रेट भी हाई थी। ओके, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड वॉज नॉट इनफ टू प्रोवाइड फूड ऑल द पीपल्स। ओके, दैट टाइम क्या था साथ में, कि जो प्रोडक्शन ऑफ फूड थी वॉज नॉट इनफ टू प्रोवाइड फूड टू ऑल द पीपल, थस द चेंज और इंक्रीज इन द पॉपुलेशन वॉज वेरी स्लो। दैट्स वाई क्या थी, पॉपुलेशन वेरी स्लो थी। एक तो वहां पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, साथ में खाने के लिए इतना अच्छा मटेरियल्स प्रोवाइड नहीं था, वॉज नॉट इनफ। ओके, दैट्स वाई इन अर्ली स्टेज में गई थी पॉपुलेशन वॉज वेरी स्लो। जो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन थी या चेंज इन द पॉपुलेशन थी वॉज वेरी स्लो। ओके, इन द लेटेस्ट स्टेज आफ्टर क्या हुआ, डिक्लाइन डेथ रेट इन द लेटर स्टेज, फास्टर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वॉज रिकॉर्डेड। लेटेस्ट स्टेज में क्या किया कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वेरी फास्ट ग्रोथ हो रही थी, रिकॉर्ड की गई, इट वॉज ड्यू टू द डिक्लाइन डेथ रेट, क्योंकि डेथ रेट डिक्रीज हुई है। बर्थ रेट सेम इट इज बन रही, यहां बर्थ रेट हाई थी, यहां भी बर्थ रेट हाई थी, यहां डेथ रेट की थी हाई थी, लेकिन यहां पर डेथ रेट डिक्रीज होगी। अब डिक्रीज क्यों हुई, बिकॉज पहले क्या था, फूड सप्लाई प्रॉपर नहीं थी, अब फूड सप्लाई इंप्रूव हुई। सेकेंड, यहां पर हेल्थ फैसिलिटी बेटर नहीं थी, अब यहां पर बेटर हेल्थ फैसिलिटी भी आ गई। ओके, तो एज द फूड सप्लाई इंप्रूव्ड एंड प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी वर रेडली बिके से अवेलेबल, द बर्थ रेट रिमेन फेयरली हाई। ओके, तो बर्थ रेट क्या हुई, हाई रही। सो क्या था, लेटेस्ट स्टेज में डेथ रेट डिक्रीज हुई, फूड सप्लाई इंप्रूव हुई, हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव हुई, एंड ड्यू टू दैट बर्थ रेट हाई बनी रही। ओके, सो उस वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई हमारी, एंड द रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन इज नॉट द सेम इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कि दो रेशियो है, पॉपुलेशन डिक्रीज और इंक्रीज होने की सेम नहीं है इन एवरी कंट्री, इट वेरी ग्रेटली एंड डिपेंड अपॉन द फैसिलिटी अवेलेबल इन दैट कंट्री।
पॉपुलेशन इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी टोटली डिपेंड ऑन अपॉन फैसिलिटी अवेलेबल इन दैट कंट्री। ओके, सभी कंट्री की जो रेशियो है इंक्रीज और डिक्रीज होने की पॉपुलेशन होने की वो क्या है, सेपरेट है, बैरी करती है। ठीक है, क्यों बैरी करती है? बिकॉज दिस ऑल बेस्ड ऑन फैसिलिटी अवेलेबल इन दैट कंट्री। सम कंट्रीज हैव अडॉप्ट द स्कीम ऑफ फैमिली प्लानिंग। बहुत सारे कंट्री ऐसी हैं जहां पॉपुलेशन वेरी फास्ट रोड से इंक्रीज कर रही थी, तो उन्होंने क्या किया, एक स्कीम फॉलो की फैमिली प्लानिंग। ओके, सो ड्यू टू दैट रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, जो फैमिली के वो जो चिल्ड्रन हुए वो कम हो गए। ओके, एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर मेकिंग सिंसियर एफर्ट टू चेक द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जो डेवलपिंग कंट्रीज इन ऑल टाइम, ये होती है अंडर डेवलप, डेवलपिंग और डेवलप्ड, डेवलप दोनों कंट्रोल कर लिए। जो डेवलपिंग है वो भी काफी एफर्ट करी, सिंसियर एफर्ट कर टू चेक द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ओके, दिस इज योर टॉपिक टू डिस्कस हियर, फर्स्ट वी डिस्कस हियर व्हाट इज द पॉपुलेशन चेंज। ओके, द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरियाज ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम इज नोन एज पॉपुलेशन चेंज। ओके, अब पॉपुलेशन चेंज हो रही है सब फैक्टर्स, इसको बोलते हैं कंपोनेंट। और फैक्टर कौन से हैं, कंपोनेंट कौन से हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, दोज आर ऑलवेज बिजी टू चेंज द पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर कंट्री और रीजन। ओके, सो वी ऑलरेडी डिस्कस कि बिफोर इन अर्ली स्टेज में हमारी पॉपुलेशन वेरी स्लो रेट से इंक्रीज होती। 1820 में 100 करोड़, आफ्टर 150 इयर्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इट इंक्रीज, आफ्टर 30 इयर्स इट ऑलमोस्ट डबल इन ओनली 30 इयर्स। ओके, आफ्टर 2000, नाउ 2020 इज गोइंग ऑन और नाउ दिस टाइम योर पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अबाउट 777 करोड़। ओके, सो बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशंस, द बर्थ रेट इज नॉर्मली डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 पीपल इन अ ईयर, पर 1000 पर्सन पर बर्थ लेने वाले लोग जो होते हैं हम बर्थ रेट, और पर 1000 पर्सन पर डेथ होने वाले लोगों को बोलेंगे हम डेथ रेट इन अ ईयर। एंड माइग्रेशन, वेन पीपल्स मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट मे बी इन और आउट ऑफ अ पर्टिकुलर एरियाज। ओके, एंड नेचुरल ग्रोथ इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। जो बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच डिफरेंस होगा उसको नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और इट मे बी इंक्रीज, इट मे बी डिक्रीज। इफ बर्थ रेट हाई देन द डेथ रेट, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। इफ डेथ रेट हाई देन द बर्थ रेट, तो ये डिक्रीज होगी। ओके, आफ्टर वी डिस्कस हियर इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स। जब कोई पर्सन, वी आर लिविंग इन इंडिया, जब कोई पर्सन हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है उसको बोलेंगे हम एमिग्रेंट्स। ओके, जब बाहर से कोई पर्सन हमारी कंट्री में आएगा उसको बोलेंगे हम एमिग्रेंट्स। मीन्स ये जो पर्सन यहां से वहां जा रहा है तो हमारी कंट्री के लिए वो एमिग्रेंट्स हुआ और कनाडा के लिए वो इमिग्रेंट्स हुआ। ओके, सो आफ्टर दैट वी डिस्कस हियर कि अवर पॉपुलेशन जो है, माइग्रेशन जो हो रही है वो ज्यादा डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री से डेवलप कंट्री की तरफ हो रही है। ओके, दिस वाज डाटा कि पहले क्यों कम थी हमारी पॉपुलेशन, और नाउ दिस टाइम इन लेटेस्ट स्टेज में पॉपुलेशन वेरी फास्ट रेट से इंक्रीज हुई, बिकॉज बिफोर दैट बर्थ रेट हाई थी बट डेथ रेट आल्सो हाई। ओके, एंड ऑफ दैट फूड वाज नॉट इनफ टू प्रोवाइड द फूड ऑल द पीपल्स, सो पॉपुलेशन वेरी स्लो। एंड नाउ डेथ रेट डिक्लाइन होगी लेकिन बर्थ रेट हाई बनी रही, और भाई जो हेल्थ और जो फूड सप्लाई थी वो भी इंप्रूव हुई, ड्यू दैट पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। ओके, सो नाउ दिस टाइम बहुत सारी कंट्रीज हैं जो ओवर पॉपुलेशन से इफेक्टिव हो रही है, सो वो फैमिली प्लानिंग या सिंसियर एफर्ट कर रही है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। थैंक यू।